टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज द ऑर्डिनल नंबर्स। आज हम ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 32 ऑर्डिनल नंबर। इसमें आपको पिक्चर्स में कुछ बच्चे हैं जो रेस कर रहे हैं और उनकी जब रेस फिनिश होती है तो उसमें फर्स्ट जो रैंक आती है उसके बारे में बताया गया है। जिस टाइप से पिक्चर्स बना हुआ है मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये आपको रेस हो रही है और जो बच्चा विनर है वो सबसे आगे फर्स्ट पर है। ओके, द पिक्चर्स गिवन बिलो द शोस 10 बॉयज। उसमें 10 बॉयज है जहां उनका नाम ए से लेकर जे तक है। फ्रॉम द पिक्चर वी कैन नोटिस द पोजीशन और प्लेस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑक्यूपाइज। हर बच्चे की अपनी अलग अलग पोजीशन है। पार्टिसिपेंट जो डी है रीचेस द फिनिश पॉइंट बिफोर एनी अदर पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेंट डी रहता है वो सबसे पहले अपनी रेस फिनिश करता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डी रीचेस द गोल फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब हम जो सबसे पहले रेस जिसने फिनिश की है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। डी इज द फर्स्ट प्लेस फॉर पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, तो हम ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे आप 1, 2, 3, 4 आपने नंबर्स पढ़े हैं ऐसे ही ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं, उसको फर्स्ट, अगर आपसे बोले कि राइट द ऑर्डिनल नंबर्स तो आप क्या राइट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन एंड टेंथ। ये सब ऑर्डिनल नंबर्स है। ये इसका सिंबल है कि फर्स्ट अगर आपको राइट करना है तो आई, सेकेंड राइट करना है तो इसको उस टाइप से दो लाइन ड्रॉ करेंगे, थर्ड में तीन, फिर फोर्थ में वी बना के आई, फिर फिंगर वी, फिफ्थ में, फिर इस टाइप से ये सब ऑर्डिनल नंबर्स के सिंबल है। और ऑर्डिनल नंबर्स को हम ऑर्डिनल्स भी बोलते हैं। तो जब हम इसको ऑर्डिनल्स बोलेंगे तो फर्स्ट को आपको वन लिख के एस टी, सेकेंड को सेकेंड लिख के एन डी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, थर्ड को थ्री लिख के आर डी, फोर्थ को फोर टी एच, फिफ्थ टी एच, सिक्स टी एच, सेवन टी एच, एट टी एच, नाइन टी एच, टेन टी एच। हम इस टाइप से भी उसको राइट कर सकते हैं। तो आपको 10 तक के ऑर्डिनल नंबर्स आने चाहिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। दैट इज द ऑर्डिनल नंबर्स। नाउ पेज नंबर 34। अब इसमें पिक्चर्स में लाइन क्यूज में खड़े हुए हैं ग्रुप एट द पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू एट द टिकट काउंटर फॉर द मूवी। कैन यू राइट देयर पोजीशन। अब आपको उनकी पोजीशन राइट करनी है। जो पीपल से जैसे उसमें जो पीपल से जो उसमें रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है आपको काउंट करना है, आगे से काउंट करना। मैं आपको पिक्चर्स में से बता रही हूँ। उसमें ये आप पिक्चर्स आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर से टिकट में सबसे पहले आगे विंडो पर कौन है, एक लेडी है, वहां से काउंट करते हुए पीछे तक जाना है। ओके, और उनकी पोजीशन आपको लिखनी है। तो सबसे पहले जो पर्सन है उसकी पोजीशन क्या है, सेवंथ है, फिर क्या है, टेंथ पोजीशन, देन नाइन्थ, आप काउंट करना उसमें नाइन्थ, एट्थ एंड फर्स्ट पोजीशन पे एक लेडीज है। फिर आ जाएगी आपकी सिक्स, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एंड सेकेंड, ये आपकी पोजीशन है। एक सबसे पहला जो पर्सन है वो कौन सी पोजीशन पे है, सेवन पोजीशन पे। फिर एक लेडीज है वो सबसे लास्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पोजीशन। इसके बाद पेज नंबर 35 पर आ जाए आप।
कलर द सेकंड डक ब्लू एंड फोर्थ डक ग्रीन फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट से आपको काउंट करना है. लेफ्ट मतलब कौन सा होता है? जैसे अगर मैंने मेरी बुक ऐसे रखी हुई है तो आपका लेफ्ट पार्ट कहाँ से जाएगा? इधर से जाएगा. ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? लेफ्ट पार्ट यहाँ से जाएगा. तो यहाँ से आपको कलर करना है सेकंड डक को. कौन सी डक को कलर करना है? सेकंड डक को. कैसे कलर करेंगे? आपके पास में सब बच्चों के पास में कलर बॉक्स होंगे, क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर. यहाँ पर मैं फिगर बना देती हूँ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब मेरा वो फोर्थ की तरफ है तो मैं जो लेफ्ट अगर एक से काउंट कर रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, तो मुझे यहाँ से सेकंड डक को ब्लू करना है. तो फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो मुझे यहाँ पर ब्लू कलर फिल करना है. यहाँ ब्लू कलर एंड फोर्थ डक फ्रॉम लेफ्ट. फोर्थ तो फर्स्ट सेकंड, ये कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये आपका हो गया फोर्थ. और जो फोर्थ है उसको क्या ड्रॉ करना है? आपको ग्रीन. क्या करना है? ग्रीन. कलर द थर्ड मेंगो येलो एंड सिक्स मेंगो ग्रीन फ्रॉम द राइट. अब राइट से करना है, आपको लेफ्ट से करना था तो राइट इधर आता है. तो इधर से फर्स्ट आपका कौन सा आएगा? इधर वाला जो सबसे पहला पहला पार्ट है उसको आपको फर्स्ट कलर द थर्ड मेंगो येलो. येलो करना है इसको थर्ड को. ये फर्स्ट हो जाएगा, यहां से काउंट करना फर्स्ट. ये हो जाएगा आपका सेकेंड, सेकेंड. ये हो जाएगा आपका थर्ड. तो थर्ड मेंगो को आपको येलो का करना है, येलो हो गया. एंड सिक्स्थ मेंगो को आपको ग्रीन करना है. थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ. कलर द फर्स्ट फ्लावर येलो, थर्ड फ्लावर ब्लू एंड फिफ्थ फ्लावर रेड फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट मतलब इधर वाले हैंड से जाना है. अब आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है. ये दोनों पिक्चर्स आपको करनी है. द टेबल गिवन बिलो सिक्स स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक टेबल, राइट द रैंक ऑफ ईच स्टूडेंट. तो आपको उसकी रैंक लिखनी है. अब रैंक कैसे लिखेंगे? नेम द स्टूडेंट. रमेश, सुरेश, प्रकाश, तरुण, ज्योति, किरण, मोहित. आउट ऑफ 30, 23, 25. अब इसमें रैंक बतानी है. आउट ऑफ सबसे ज्यादा मार्क्स इसको आया 30 में से 29 इसको आया, तो इसकी रैंक कौन सी होगी? फर्स्ट रैंक. फर्स्ट 29 के बाद सबसे उसके बाद कम किसे 25 को, तो इसकी रैंक होगी सेकेंड. इसको इसे राइट करेंगे 25 के बाद आएगी 23,
इसकी लेंथ होगी आपकी थर्ड, फिर 20 इसकी लेंथ होगी आपकी फोर्थ, फिर 21 इसकी लेंथ होगी आपकी फिफ्थ, फिर 18 इसकी लेंथ होगी आपकी सिक्स्थ, फिर 19 और इसकी लेंथ होगी आपकी सेवन्थ। जिसको सबसे कम नंबर आया उसकी सबसे लास्ट में रैंक आएगी, तो इस टाइप से हम उसकी रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है ये कंप्लीट हो गया है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर थर्ड एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक्स।